नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज एक बड़ा खुलासा हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति की भनक इनको लग जाती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर फोकस बना हुआ है, जनता सोच रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब क्या क्या उनके परिवार में घटित हो रही है। आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं अजय पत्रकार जी कि शायद से मेनका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया, उनको घर से निकाला गया। पूरा मामला इनसे ही जान लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, ये बताइए क्या पूरा खुलासा आप करने वाले हैं। देखिए, एक कहावत कही गई है कि कुदरत बदला लेती है। हाँ। और वक्त होता है, हर एक का वक्त होता है, कभी कभी पैदल भी सैको मात देता है। मार्च महीने में, मार्च के आखिरी वीक में बहुत बुरी हालत मेनका गांधी की हुई थी 1980 में। और आपको बतलाना है कि 28 मार्च को मेनका गांधी को घर से निकाल दिया गया, और 23 मार्च को, 22 और 23 मार्च को इंदिरा जी ने मेनका से बात करना बंद कर दिया था। इंदिरा जी ने खाना भी उनको अलग इसलिए कर दिया था कि उस समय वो क्या कर रही थी, संजय गांधी के मरने के बाद हकीकत थी इंदिरा जी दोनों को चाहती थी, संजय और राजू दोनों की। जब संजय मर गए उसके बाद वारिस जो मेनका गांधी बनती, मगर राजीव गांधी एक समझदार थे, सोनिया जी बहुत समझदार, दूरदर्शी और सूझबूझ वाली महिला थी। अब यहाँ पूरा देश के मालिक होंगी, तो सोनिया जी की इच्छाएं बढ़ी और राजीव जी की इच्छाएं बढ़ी। इन लोगों ने क्या किया कि इनको बाहर करने की कोशिश की, और राजीव गांधी का स्पष्ट वो था सोनिया जी ने कि अगर मेनका जी रहेंगे तुम नहीं रहेंगे। इंदिरा जी के सामने मजबूरी थी कि चूंकि अब संजय थे नहीं, तो चाहते थे राजीव हमारे मदद में आएंगे और सोनिया जी रहेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। फिर इंदिरा जी को धीरे धीरे बताया गया मेनका जी के प्रति उनकी नफरत बढ़ती गई सोनिया जी की वजह से। सोनिया जी समझदार महिला थी, सूझबूझ की थी, दूरदर्शी। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे वो बनूंगी, हमारे हस्बैंड प्रधानमंत्री नेक्स्ट बनेंगे, उसके हिसाब से क्रमबद्ध कार्य हुआ। आपको बता रहे हैं कि दुखद बात यह है कि मार्च के लास्ट वीक में और मार्च के सेकेंड लास्ट वीक में मेनका गांधी को हटाने की पूरी योजना हो गई, और स्पष्ट रूप से कह दिया सोनिया जी ने, राहुल जी ने, कि मम्मी मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसे पोजीशन में। और वही चीज़ राहुल के लिए हुआ, ये हुआ कि इसको हटा दीजिए और राहुल को हटा दीजिए। फिर क्या हुआ, 28 मार्च को इंदिरा जी ने स्पष्ट रूप से शाम को बताया कि मेनका तुमको घर छोड़ना है, और साथ में राहुल को निकाल दिया। राहुल जो था इंदिरा जी के गले में चिपट गए थे, और राहुल छोटा बच्चा था, नहीं जाना चाहता, मगर इंदिरा जी ने राहुल को निकाल दिया। आज तारीख 31 मार्च है और 1 अप्रैल राहुल के लिए सबसे बुरा दिन था। इंदिरा जी ने बहुत सिक्योरिटी बहुत वो लगा दिया था, दबाव ये बनाया था कि ये हमारे घर से निकल गए हैं, अपनी बहन के यहाँ चले गए हैं, और ये जो हैं किसी तरह से यहाँ दिल्ली भी छोड़ जाएँ और राजनीति से पूरा संन्यास ले लें। आज की रात और कल सुबह मेनका गांधी के लिए सबसे तकलीफ दे था। 13 मार्च 1980 को इनको इनके साथ शुरुआत हो गई थी, और 28 मार्च 1980 को इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो आपको बता रहे हैं कि मेन वजह ये रही, मतलब कि आपके हिसाब से जैसे को तैसा ऐसा मिल रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि 23 जून 1980 को पिट्स विमान दुर्घटना में 52A विमान से संजय गांधी की मृत्यु हो गई, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु थी, हत्या थी, जो भी हो। उसके पहले 22 तारीख को सोनिया जी, उसने संजय गांधी और मेनका गांधी उसी प्लेन से उड़े, तो उसके पहले जब उड़े हैं तो मेनका ने आकर के एक ही बात कही इंदिरा जी से कि किसी भी तरह से इस जहाज़ को बदलवा दीजिए। इस जहाज में जब मेनका गांधी उस जहाज़ में चढ़ी हैं 23 से पहले, जिस समय संजय गांधी की हत्या हो गई या संजय गांधी की विमान दुर्घटना मृत हो गई, उसके पहले उन्होंने मम्मी से कहा, इंदिरा जी से, कि इस विमान को बदलवा दीजिए। और जब ये विमान चला है तो इंदिरा जी, वो मेनका जी बहुत चीखी हैं, चिल्लाई हैं। उन्होंने कहा कि विमान खराब हो, परंतु वो बदला नहीं गया। इसमें कहीं ना कहीं कोई रहस्य था। जब 23 मार्च को जब 23 जून को ये घटना हुई, महात्मा इनकी संजय गांधी की जब बॉडी नीचे आई, मतलब जहाज़ के क्रैश में, तब इंदिरा जी वहाँ पर गईं।
इंदिरा जी ने एक भी आंसू इंदिरा जी के संजय गांधी के मरने पर नहीं आए थे, हिंदुस्तान की जनता गवाह है, एक भी आंसू नहीं आए थे इंदिरा जी के। उसके बाद वहाँ पे जब घटना स्थल पे गईं तो दोबारा भी गईं, इंदिरा जी वहाँ दो चीज़ें देखती रहीं कि उनकी घड़ी में स्विस बैंक अकाउंट नंबर था, दूसरा घड़ी देखती रहीं, घड़ी मिली नहीं, तो इंदिरा जी और टेंशन में आ गईं, सीधे चली आईं। उसके बाद क्या हुआ कि सोनिया जी ने और इन्होंने राजू जी ने इंदिरा जी के कान भरने शुरू किए और स्थिति ये कर दी कि उनको मेनका गांधी को 28 तारीख को घर से बाहर निकाल दिया। इस चीज़ का प्रूफ आपको बता रहे क्या है कि वास्तव में हिंदुस्तान की आवाम ये कह रही थी कि संजय का वारिस मेनका को बनाओ, और वैसे भी वारिस मेनका ही बनता। अब जैसे राजीव गांधी जी दुर्भाग्य से एक्सपायर हो गए एक दुर्घटना में, या उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये चाह रही थी कि संजय की वारिस ये ना बने, सोनिया जी बन जाए, ये बन जाए। खैर ये बात हुई। अब इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि मेनका ने खुद सिमी गेरेवाल को एक दफ़ा बताया था कि मेरी साथ जो हैं वो चाहती हैं कि तुम क्यों बच गई, तुम क्यों नहीं मरी, ये सिमी गेरेवाल को बताया। सिमी गेरेवाल के शो में मेनका गांधी ने ये खुलासा किया है कि सास यानी इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो कैसे बच गई, दुर्घटना कैसे ग्रस्त नहीं हुई। बिल्कुल, इस बात को आपको बताना है, सोनिया जी की बेहद खास जी। और जो सोनिया जी की बहुत अच्छी वो थी इंदिरा जी की, खास तौर से सागरिका घोष, उन्होंने किताब लिखी इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अब इंदिरा जी की बहुत खास थी और सोनिया जी की बात में सागरिका घोष, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ का उल्लेख किया है कि मेनका ने सिमी गेरेवाल को एक दफ़ा बताया था मेरी सास चाहती थी कि तुम क्यों नहीं मरी, ये उन्होंने अपनी किताब लिखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता। हाँ, एक दिन पहले ही सोनिया और मेनका गांधी ने उनसे कहा था कि मम्मी इस जहाज़ को बदलवा दीजिए, ये जहाज़ ठीक नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने। दूसरी आपको बता रहे हैं, खुशवंत सिंह जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, उन्होंने अपने उस पर एक बार लिखा था, बोला था मेनका शेर पर सवार दुर्गा की तरह है। बस इंदिरा जी को वो भी बात, उस बात को राजीव गांधी ने, सोनिया जी ने मेनका जी को, उनको इंदिरा जी को बार बार बताया कि शेर पे सवार दुर्गा सिर्फ एक ही है, वो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने को हमेशा दुर्गा बांधती थी और उन्होंने कई बार अप्रोच रूप से अपने समर्थकों से कहा कि अटल जी ने दुर्गा और चंडी शब्द कहा। तो आपको बताना है कि अटल जी ने कई बार इस बात को कहा, चूँकि इंदिरा जी का सम्मान करते थे, हम उन्हें चंडी तो कह ही नहीं सकते, चूँकि चंडी शब्द ऐसा है उसका कोई द्व्यर्थी निकाल सकता, इसलिए अटल जी ने कभी नहीं कहा। अब दुर्गा वाली बात में भी अटल जी ने कहा, मगर इंदिरा जी ने प्रचारित यही कराया कि उन्होंने दुर्गा हमारे लिए कहा था 1971 को। हालांकि अटल जी उनको सम्मान बहुत करते थे, और ये भी सच है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में 3 दिसंबर से पहले अटल जी को बुलाया था कि बांग्लादेश का विवाद चल रहा, क्या करें, और बाई प्लेन बुलवाया था ग्वालियर से। तो ये लोग इतना सम्मान करते थे, उन्होंने दुर्गा, इनको ये भी बात नागवार गुजरी। इसके बाद आपको बता रहे, जो सबसे मेन इसका प्रूफ है वो है, स्पेनिश लेखक ने एक किताब लिखी द रेड साड़ी, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इंदिरा गांधी पे लिखी है, और इंदिरा जी ने स्वयं लिखवाई थी, सागरिका घोष से भी इंदिरा जी ने और सोनिया जी ने लिखवाई, और ये जो स्पेनिश लेखक है उससे भी लिखवाई द रेड साड़ी, जो वर्ल्ड की मानी हुई किताब। उसमें हेवियर मोरो जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि जब मैं वहाँ गया तो एक आदमी उघाड़ा बैठा था, स्वामी जो उसका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो अर्ध कपड़े में था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और आर के धमन वहाँ पे थे, अलेक्जेंडर थे। मेनका जी ने कहा कि तुमको हर सूरत में अभी निकलना है, आज की ही तारीख में, मेनका जी से कहा गया इंदिरा जी ने, आज की तारीख में ही निकलना, और वो 9 बजे के बाद 11 बजे हटा दिया गया, बोले 12 नहीं बजेगा 11 बजे, ये निकल गए। इसके बाद आपको बता रहे हैं, उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया, इनका सामान पूरा पैक कर दिया, और बेचारा जो ये वरुण गांधी था वो बार बार दादी की ओर देख रहा था, दादी ने देखा नहीं और वो चले गए, और बंगला खाली कराया गया, वही पोजीशन राहुल को बंगला खाली कराने, एक तारीख एक वो सब, आप समझ लिए सब, पता नहीं क्या है, जैसे कुदरत बदला ले रही हो। और 31 तारीख एक तारीख इनके लिए बहुत दुखद था, उसमें बच गई मेनका जी, वरना बच नहीं सकती थी। इंदिरा जी ने इतनी जबरदस्त, उससे ज़्यादा इंदिरा जी ने क्या किया, खुशवंत सिंह से कहा कि मेनका से कह दो शादी कर लें, और एक व्यक्ति से कहा जो दूसरे मजहब का था,
तो बेचारे वो खुशवंत सिंह इस बात को कह नहीं पाए मेनका जी से, मतलब ये मेनका इंदिरा जी की सोच थी कि हिंदुस्तान में लेडी बदनाम हो जाएगी, हमारी फैमिली से ऑटोमेटिकली हट जाएगी, मगर मेनका जी का एक करेक्टर था, मेनका जी का ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है तो आप समझ लीजिए, इंदिरा जी इतनी बड़ी राजनीतिक थी, सोनिया जी इतनी बड़ी राजनीतिक थी, और शायद ये कुदरत बदला ले रही, वक्त बदला लेती, दो भाई एक सोनिया जी ने निकलवाया और राजू जी ने निकलवाया घर से बाहर बच्चे को। आज दुख ये हो रहा है कि बेचारा बड़ा हो करके सयाना हो करके उसकी सदस्यता चली गई और वो घर से निकाल, मतलब एक आदेश हो गया कि घर उसका उसको बंगला खाली करने। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा आ जाए पत्रकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुदरत का ही करिश्मा है, जैसे को तैसा कांग्रेस पार्टी के अंतर कला परिवार के अंदर ही फूटती। दर्शकों यहाँ पर जो खुलासा सर ने किया, यहाँ ये तो यही मालूम चल रहा है परिवार के अंदर ही फूट थी और यही कारण है कि आज मेनका गांधी को लोग सरा रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत हुआ और उनके साथ इंदिरा गांधी ने गलत किया था। बहरहाल आपको पूरे विस्तार से अजय पत्रकार जी ने बता दिया, आपकी जो भी राय हो इस बारे में आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया।